आज हम देखने वाले हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लांक क्या है? ही इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक्चुअली मैक्स प्लांक जो है वो साइंटिस्ट का नेम है जिसने बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी अबाउट द क्वांटा। ठीक है, अब ये किस बारे में थी कि जैसे अपन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, तो हमें पता है कि सन से जो है वो एनर्जी अर्थ तक आ रही है। ठीक है, अब प्लांक के पहले क्या होता था कि प्लैंक के पहले लोग ये मानते थे कि एनर्जी जो सन से आ रही है वो बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है लगातार, लेकिन मैक्स प्लैंक ने ये डिस्कवर किया कि वो जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली नहीं आ रही है, वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है। ठीक है, यानी कि आपको एक वर्ड पे ध्यान देना है कि एनर्जी जो एमिटेड है दैट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है ना, यही मैक्स प्लैंक ने बोला। तो रेडिएशन अगर एनर्जी की बात की जाए तो कोई भी सरफेस अगर एनर्जी एमिट कर रही है या फिर एब्जॉर्ब कर रही है तो दैट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो व्हाट इज क्वांटा? क्वांटा जो है, तो हम ये समझें कि जो एनर्जी का रेडिएशन हो रहा है या एमिशन हो रहा है ये पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, एक बंडल की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो जो ये पैकेट है एनर्जी का, जो स्मॉलेस्ट पैकेट है, सबसे छोटा पैकेट जो है उसको हम नाम देते हैं क्वांटा का। ठीक है, और अगर हम विजिबल लाइट के बारे में बात करें तो इसी क्वांटा को हम नाम दे देते हैं फोटोन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि क्वांटा को हम इस रूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अगर हम सबसे पहले बात करें कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, इज नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं सन की। ठीक है, तो सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और यहां पे हम ले लेते हैं कि दिस इज अर्थ। तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है ये हम ये ना माने कि कंटिन्यूसली इस तरीके से आ रही है, दिस इज़ रॉन्ग। तो मैक्स प्लैंक ने क्या डिस्कवर किया कि ये एनर्जी जो है टुकड़ों में आ रही है, बंडल्स में आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको एक तरह से ये नाम दे देता हूँ कि दिस इज़ पैकेट ऑफ एनर्जी, या बंडल ऑफ एनर्जी हम नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि रेडिएशन, मैं बोलूँ इसको कि एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसमें हम ये बोल दें कि द स्मॉलेस्ट पैकेट, ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज, क्वांटा। ठीक है, और अगर हम विजिबल लाइट में बोलें क्वांटा इन विजिबल लाइट, जो लाइट हम देख पाते हैं विजिबल लाइट, इज कॉल्ड एज फोटोन, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात करता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको ये दिमाग में लें कि दीज आर द वेव, और वेव हमें पता है बहुत सारी होती है। ठीक है, साउंड वेव होती है, विजिबल रेज होती है, ठीक है ना, कई तरह की अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वेव या रेज बोल दे, मैं इसको रेज बोल देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई रे जा रही है या वेव जा रही है, मान लीजिए ये वेव इस तरीके से मूव करती है, आपको पता ही है कि वेव इस तरीके से मूव करती है, अगर मान लीजिए किसी वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर, इधर मैं जेड एक्सिस ले लूँ
और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि देर इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये समझें कि कोई भी वेव अगर मूव कर रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर में, यानी कि वेव हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं अपन। तो आप ये समझ गए हैं कि कोई भी वेव अगर मूव कर रही है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ऐसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे अपन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मैंने बना दी है, ठीक है, तो वेव के बारे में आपको पता है कि इस तरीके से दो अल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव जो ट्रॉप्स हैं, या यहाँ पे हम बोलें कि जो हाईएस्ट पॉइंट है इनका, इसको हम बोलते हैं लेमडा वेवलेंथ। तो लेमडा सिंपल बोला जाए तो ये क्या है कि लेंथ ऑफ ए वेव, ठीक है, लेंथ ऑफ द वेव, यानी कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो वेव पूरा साइकिल कंप्लीट किया, ये डिस्टेंस में क्या बोल दूंगा, लेमडा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रॉफ जो है वो उसको अपन, या क्रेस्ट बोल दें, क्रेस्ट या ट्रॉफ के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ भी ले सकता हूँ, ये वाली डिस्टेंस भी लेमडा ही बोले। तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम जो है वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइन इसका होता है म्यू, ठीक है, यूनिट इसकी होती है पर सेकेंड, ठीक है, या हम इसको हर्ट्ज से भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में HTZ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं मैं और उस पॉइंट से वेव गुजर रही हो, ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि एक सेकेंड में 3 वेव गुजर रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 है, एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 3 वेव गुजरी, वेव का मतलब कि ये पूरा साइकिल गुजरा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी समझ गए सब लोग, ठीक है, और इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। अब ये जानने के बाद ये हमें पता लग गया इसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसकी वेलोसिटी इन वैक्यूम इट कैन ट्रेवल विद सी, सी मीन्स 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है सनलाइट जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये हमारे तक आती है वैक्यूम में से होके, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, वेल इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे मान लो यूवी लाइट हम ले लें, या यूवी वेव बोल दूँ मैं इसे, ठीक है, विजिबल लाइट होगी जो सनलाइट से आती है, वाइट लाइट, ठीक है, विजिबल वेव, ठीक है, या हम बोलो इंफ्रारेड, ठीक है, ये सब जो है ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम वापस आ जाते हैं प्लैंक के इस पे रूल पे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उसने क्या किया, उसने कहा कि मान लीजिए कोई भी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ये एनर्जी का सोर्स जो है ये इस तरीके से डिसकंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी के पैकेट्स फेंक रहा है, यानी एमिशन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस इन डिसकंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट पैकेट है, एक जो स्मॉलेस्ट पैकेट है
उसको हमने एनर्जी के उस मोलर पैकेट को क्या नाम दे दिया, क्वांटा। और यही चीज अगर विजिबल लाइट में बोली जाए तो क्या बोल देंगे, फोटोन। इसका मतलब सनलाइट से जो लाइट हमारे पास आ रही है वो वेव की फॉर्म में आ रही है और टुकड़ों में आ रही है, कई सारी वेव आ रही है, हर वेव में एनर्जी है, ठीक है, हर वेव में एनर्जी है, ठीक है। और वो एनर्जी हमें जो है अर्थ पे मिल रही है, धूप हम पे पड़ रही है तो वो एनर्जी हमें मिल रही है, और एनर्जी मिलने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्मॉल इज पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो प्लैंक ने क्या इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट की, उसने बोला कि एनर्जी ऑफ क्वांटा, या इसको मैं बोल दूं कि ये एक तरह से वेव ही है, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जान ही चुके हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का साइन म्यू, और आप ये जान चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस एनर्जी को इसने बोल दिया ई, ठीक है, इसने बोला कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही एनर्जी होगी। जब प्लैंक ने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट इसने लिख दिया एच म्यू। अब ये जो एच है दिस इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, अपने ही नाम पे इसने कांस्टेंट जो है एक डिफाइन कर दिया, और इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। अब इस फॉर्मूले का एक कंट्रीब्यूशन क्या हो गया कि ई इज इक्वल टू एच म्यू, इसको मैं म्यू को लिख सकता हूँ एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, यानी कि म्यू हमें पता है म्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा। सी आपने पता कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, ठीक है, और यहाँ से लेमडा जो है ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ पता लग गई कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है वेव का, उस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन होगा कि वेवलेंथ एज 6.6 एमस्टोंग। हमसे पूछ लिया जाए कि फाइंड इट्स एनर्जी। अच्छा, मैं इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसी पे ही हम इसको लगा सकते हैं। अब एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला आपको पता लग गया कि ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सॉल्व करते समय सारी चीज़ें हम एमकेएस यूनिट में रखते हैं, 6.6 इंटू 10^-34, ये तो आ गया एच का वैल्यू, इंटू सी का वैल्यू आ जाता है हमारा 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर सी बात है लैम्डा भी मुझे किस में रखना पड़ेगा, मीटर में, तो 1 एमस्टोंग आपको पता होगा इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। ठीक है, इसका मतलब नीचे मैं क्या रखूँगा, 6.6 इंटू यहाँ से 10^-10 मीटर। सोल्व कर सकते हैं इजीली, हम ये कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू ये -34 और -24 और 8 गया, तो यहाँ से आ जाएगा 10^-16। और यूनिट हम किसकी किस में लिखेंगे, जूल में, क्योंकि एनर्जी निकाल रहे ना जूल में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10^-19 जूल। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे जूल को कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.602 इंटू 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ रख देता हूँ इस फार्मूले में, तो जो एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो 3 × 10^-16 अपॉन ये आ जाएगा 1.602 इंटू 10^-19, और आंसर किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक हमें बढ़ना पड़ा, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आपको एनर्जी निकालनी हो तो सीधा आप एक फार्मूला यूज करें, ई इज इक्वल टू 1 × 400 अपॉन लेमडा एमस्टोंग में, और एनर्जी आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यही क्वेश्चन अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो ई इज इक्वल टू 1 × 400 अपॉन लेमडा जो है यहाँ पे मैं रख देता 6.6, डायरेक्ट एमस्टोंग में रखिए और आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जैसे अगर आप यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये जो वैल्यू है यहाँ से जो आने वाली है ये आ गई 3/1.6 × 10^3, ठीक है, और ये लगभग जो है अगर मैं देखूँ
तो ये टू के आसपास जो है, टू से टू टाइम से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो यही आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक, पता लग गई। एनर्जी अपन याद रखेंगे 12400 अपॉन लैम्डा एमस्टोम एंड आंसर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो हो गई एनर्जी जो है एक क्वांटा की, ये क्वांटा आ रहा है, पैकेट आ रहा है एनर्जी का, इसकी एक एनर्जी जो है इज इक्वल टू एच म्यू है। इफ एन क्वांटास आर देयर तो फिर एनर्जी जो टोटल होगी वो हो गई एन एच न्यू, या फिर मैं इसको लिख दूं एन एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। बात समझ आ गई, टोटल एनर्जी ये हो गई अगर एन क्वांटा हुए तो। अगर एक ही क्वांटा है तो सिंपल ई इज इक्वल टू एच न्यू लगा के अपन सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैं क्वेश्चन करता हूं कि 100 वॉट बल्ब इज एमिटिंग रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ एज 6.6 एमस्टोम, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 15 सेकेंड। क्वेश्चन समझ रहे आप कि एक बल्ब जो है कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ हमें दे दी और हमसे पूछा है कि कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन 15 सेकेंड। तो सबसे पहले जो बल्ब अपन ने लिया है इसकी एनर्जी है, हमने बोला कि 100 वाट है। अब बल्ब की एनर्जी को मैं एनालाइज करूँ तो दिस इज 100 जूल पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड अगर बल्ब जलता है तो इट विल एमिट 100 जूल एनर्जी, ठीक। अब हमें बोला है कि 15 सेकेंड बल्ब जलता है तो ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा, 100 × 15 जूल, मतलब ये हो गया 1500 जूल एनर्जी एमिट करने वाला है। जो एनर्जी एमिट होगी वो क्वांटा की फॉर्म में होगी और एन क्वांटा हमने वहाँ मान लिए, तो फार्मूला इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा रख दूँ। एनर्जी कितनी है 1500, सही है, अननोन यहाँ पे एन है तो एन एच की वैल्यू रख देता हूँ 6.6 × 10⁻³, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और लैम्डा 6.6 × 10⁻¹० मीटर में रखना है भाई, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है, ये जूल सेकेंड है, तो ये बराबर 1500। यहाँ से आप सोल्व करके अननोन क्या निकालेंगे, एन, और एन इज नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन एमिटेड बाय द बल्ब।